तो हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं फूलपुर से सांसद हैं केशरी देवी पटेल जी, हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अखिलेश यादव की जो ये अलायंस है छोटी छोटी पार्टियों के साथ, इस चुनौती को आप नकार नहीं सकते, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस चुनौती को मैं कुछ नहीं समझती हूँ, क्योंकि यहाँ बीजेपी के अलावा उनकी वो साहब पिछली बार तो इकट्ठा होकर लड़े थे चुनाव जी, तो पिछली बार कितना पाए, इस बार भी इकट्ठा होकर लड़ लेंगे। राजभर भी उनके साथ चलेंगे, पहले आपके साथ कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। हर भारतीय जनता पार्टी संगम के किनारे खड़े हैं और गंगा सरस्वती के तट पर ये सारी छोटी पार्टियां फेल हैं। कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान नहीं है, समाजवादी पार्टी का उनका कुछ वोट है जो उनके आप सभी जानते हैं, जो हमारे देश विरोधी हैं, और यहाँ है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस बार के चुनाव में कितनी सीटें आप कितनी सीटों पर मजबूत मानते हैं आप बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस और सपा का कहना है कि हम प्रयागराज में वापसी करेंगे? वो कुछ नहीं है, वो अब मैं क्या बताऊँ, जब रिजल्ट निकलेगा तब आप देखिएगा। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का बड़ा दांव चला है, लेकिन सवाल है इस गठबंधन नीति का आधार क्या है, सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है और जीत के लिए मास्टर प्लान क्या है? इन सभी सवालों का जवाब दिया पदयात्रा में शामिल हुए सपा के दिग्गज नेता रेवती रमन सिंह ने। सबसे वरिष्ठ नेता आप समाजवादी पार्टी के, आप ये बताइए क्या लग रहा है 22 में? 22 में बाइसिकल चलेगी? 22 में बाइसिकल चलेगी, अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने जी। लेकिन जो एक गठबंधन की राजनीति अभी अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन वो कर रहे हैं, क्या ये कामयाब होगा फॉर्मूला? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन, बसपा के साथ गठबंधन, वो दोनों प्रयोग फेल साबित हुए। लेकिन इसमें जैसे कर रहे हैं, जैसे जयंत से कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर किसान नाराज हैं भाजपा से, तो वहाँ बहुमत सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी और जयंत की पार्टी लोकदल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर से कर रहे हैं, पिछली बार ये ओम प्रकाश राजभर भाजपा में थे, वो सब अब की आएगा, करीब 50 सीट पर वारा न्यारा होगा उसका। हमारा अंदाज है कि 300 सीट के लगभग कम से कम समाजवादी पार्टी जीते। सीटों का सामंजस्य कैसे होगा? 350 सीट समाजवादी पार्टी लड़ेगी जी, 50 सीट जो सहयोगी दल हैं इनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देंगे। क्या वजह थी 17 की, आपको क्या लगता है क्यों आपको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा? 17 में जो गठबंधन बना था, जैसे हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ जी, जिससे गठबंधन था हमारा, सबसे बड़ा कारण हार का यही रहा। अब की जो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन हो रहा है उसमें पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, स्टार प्रचारकों की एक लंबी फहरिस्त है, तो आपको लगता है कि उनका ये संगठनात्मक ताना बाना और आपका गठबंधन का ताना बाना क्या टक्कर दे पाएगा उनको? देखिए, जो हमको लगता है, जो हम देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी भी यहाँ कैंपेन करेंगी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, केजरीवाल भी करेंगे, तो हमारे पास भी बड़े बड़े प्रचारक हमारी पार्टी के समर्थन में आने वाले हैं।